हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द डिग आउट फैक्ट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर द 27th of April 2020। सो फर्स्ट एवर न्यूज इज केसेज नियर 27K मार्क विद इंक्रीज ऑफ 1975 इन 24 आवर्स। इसमें एक पॉजिटिव न्यूज है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने यह बताया है कि रिकवरी रेट 21.9% हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं हमारा क्या है। इंडस्ट्रीज होबल्ड बाय कार्बन मोबिलिटी ऑफ मैन मटेरियल। अब इसमें हमें CII के बारे में थोड़ा सा पता करना है। क्या है CII? जो को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बोला जाता है। ये एक सर्वे कैरी करता है जो ओवर 180 कंपनीज पे सर्वे होता है, जो कि हर साल अप्रैल 23 और 24 को कैरीड किया जाता है। अब CII इसमें दो चीज़ों को सजेस्ट देती है कि टू रोल डाउन दिस इकोनॉमिक, कि सबसे पहले तो यहाँ पे बोलती है कि एम्प्लॉय बी अलाउड टू यूज़ देयर ओन प्राइवेट व्हीकल्स, की सारी कंपनियों को खोल देना चाहिए जहाँ पे हॉटस्पॉट एरिया नहीं है, और जितने भी एम्प्लॉय है वो अपने प्राइवेट व्हीकल से अलाउड करने चाहिए। सेकंडली वो बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट पासेज की परमिशन ना हो के कंपनी के ही लेटर हेड से इनको परमिशन देनी चाहिए। ये हम यूज मतलब एक सजेशन दे रहा है CII कि कैसे हम अपनी इकोनॉमी को रोल बैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूज आई थी कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि बर्ड की जो हर्ड है, इन्होंने आईज का साइन बनाया हुआ है। न्यूज आर्टिकल में दिया गया विद पोल्यूशन ड्रॉपिंग। आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन के कारण पोल्यूशन ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, और जो कि एक वेटलैंड साइट है चेन्नई में पल्लीकरनाई। तो वेटलैंड क्या है ये जान लेते हैं। वेटलैंड जो कि एक समझौता हुआ था, कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 में रामसर में ईरान में। बस ये जानने की हमें थोड़ा सा ज़रूरत है, ज़्यादा डिटेल में जानने की हमें कोई ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की बात करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे केस स्टडी और जनरल GS1 और आंसर राइटिंग में हम एक NGO या फिर सेल्फ बॉडी को टाइप में लिख सकते हैं कि कैसे अगर ये पेंडेमिक आता है तो कैसे उसको हम फाइट कर सकते हैं। GNM जो कि गुड़गांव नागरिक एकता मंच है, तो इस बॉडी को भी हम मेंशन कर सकते हैं कि कैसे इन्होंने हेल्प किया, और कम्युनिटी किचन का एग्जांपल दे के भी हम बता सकते हैं। इससे हमें आंसर राइटिंग में एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे ये है कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेबर, जो कि हमारे फार्मर है वो राइस को कल्टीवेट ना करके, मतलब ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेबर उन्होंने कॉटन को ही चूज किया है, ये भी एक इफ़ेक्ट हुआ है। ये भी हम मेंशन कर सकते हैं हमारे आंसर राइटिंग में। अब यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि CERT क्या है। CERT जो कि एक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई गई है सिविल सोसाइटी में, इसको कैसे फाइट करना है जितने भी थ्रेट्स आते हैं। तो ये एक बॉडी बनाई गई है जो कि 2004 में सबसे पहले बनाई गई थी, और इसमें इम्प्रूवमेंट 2008 में या अमेंडमेंट बोल सकते हो बनाए गए थे। तो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या है। एडिटोरियल सेक्शन, एडिटोरियल से पहले यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी को मैंने बार बार समझाया है। प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा ब्लड में एक येलोइस लिक्विड ही होता है जिसमें एंटीबॉडी होते हैं, और वो एंटीबॉडी निकाल के जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनमें डाल दिए जाते हैं, तो उससे रिकवरी रेट ज़्यादा हो जाता है। तो न्यूज आर्टिकल में एडिटोरियल की बात करते हैं सेफ रिटर्न। इसमें जितने भी माइग्रेंट वर्कर हैं, ये सरकार ने उनको बाई बसेज और गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट शुरू कर दिया है, तो ये कदम पहले ही ले लेना चाहिए था। बट उन्होंने ये बोला है कि
कि सरकार ने जितने माइग्रेंट वर्कर थे उनके लिए एक स्टेप भी उठाया था लाइक मनरेगा का, और उनके वेजेस भी बढ़ा दिए गए थे। बट यहाँ पे एक क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते हैं हम अपनी आंसर राइटिंग में किसी को भी, बट थोड़ा सा लैगिंग हुई है कि मनरेगा वर्कर लाइक अगर कोई महाराष्ट्र का माइग्रेंट वर्कर है और वो स्टक हो गया है हरियाणा या यूपी में, तो मनरेगा का कैसे एडवांटेज ले पाएगा, तो ये थोड़ा लैगिंग हुई है। यहाँ पे ऑथर ने यही बताया है। अब ऑथर ने दो सजेशन दिए हैं कि कैसे माइग्रेंट वर्कर को उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जा सकता है। उसने बोला है कि वीक में कम से कम एक दिन ऐसा रखना चाहिए कि वो ताकि उनको घर तक जाने का मौका दिया जाए, और ये भी बोला है कि बिफोर थ्री में तो इन सब को लाइक जितने भी माइग्रेंट वर्कर है उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचा दिया जाए। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या है नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल। इसमें थोड़ा मनरेगा के बारे में भी हम जान सकते हैं क्या है मनरेगा, जो कि स्टार्ट थी अपलिफ्टमेंट ऑफ जो कि रूरल एरिया है उनके लिए स्टार्ट हुई थी, जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं उनके लिए ये 100 डेज का काम देता है, और ये 2005 में मनरेगा एक्ट के तहत इसको शुरू किया गया था। तो नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, पेंडेमिक एंड पैनिक। पेंडेमिक में जो पैनिक क्रिएट हुआ है, ये सारे आर्टिकल ना घुले मिले ही आ रहे हैं, जैसे कि पैनिक किसको बोला गया, जो माइग्रेंट वर्कर हैं घर नहीं जा रहे हैं, पैनिक क्रिएट हो रहा है, स्लम्स में रह रहे हैं, इन सब को ही बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं क्या है, एट द एज ऑफ ए न्यू न्यूक्लियर आर्म्स रेस। इसमें एक CTBT जो ट्रीटी हुई थी जिसको कंप्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी भी बोला जाता है, जो कि 24 सितंबर 1996 में जनेवा में साइन की गई थी। इसमें मेन मकसद यही थे कि जितने भी न्यूक्लियर टेस्टिंग है उनको कम कर दिया जाए, एक लाइक 500 टन तक का ही इसमें एक कैपेसिटी का जो बॉम्ब या जो भी एक्टिविटी हम न्यूक्लियर से क्रिएट कर रहे हैं उतनी उससे ज़्यादा एनर्जी नहीं रिलीज करेगा, ऐसी एक ट्रीटी साइन की गई थी। और लॉयल्टी बॉन्डिंग रखी गई थी कि वी विल बी लॉयल ड्यूरिंग दिस टेस्टिंग एंड वी विल क्रिएट न्यूक्लियर इन द सोसाइटी वेलफेयर ओनली, नॉट द सोसाइटी डिस्ट्रक्शन ओनली। सॉरी, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे ही ट्रीटी साइन हुई तो हालांकि चाइना और रशिया ने इनिशियली इसको रिजेक्ट कर दिया था, बट शुरू में ही यहाँ पे ऑथर ने दिया है कि 1991 में रशिया ने डिक्लेयर किया कि वो इसकी टेस्टिंग नहीं करेगा, और 1992 में USA ने भी डिक्लेयर किया, बट टिल द टाइम रशिया ने 1054 टेस्ट, सॉरी USA ने 1054 और रशिया ने 715 टेस्ट कर लिए थे। अब इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी भी लग रहा था कि उन लोगों ने तो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर लिया है बट अब हम पे इम्पोज कर रहे हैं लाइक वी कैन नॉट टेस्टिंग एनी न्यूक्लियर टेस्ट, तो इसमें इंडिया ने भी उस ट्रीटी को साइन नहीं किया था, और इंडिया में 1996 में न्यूक्लियर फर्स्ट एवर न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो यहाँ पे ऑथर ये बोलता है अब करंट सिनेरियो क्या है इसमें, उससे पहले देख लेते हैं कि जो CTBT थी अगर का कोई बात ही नहीं मान रहा था, लाइक इंडिया ने भी टेस्ट कर लिया था, पाकिस्तान ने भी 88 में टेस्ट कर लिया था, मतलब सारे कंट्रियों ने टेस्ट कर लिया था, और इसके लिए फिर एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया था, CTBTO नाम दिया गया था उसका। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में भी मतलब कोई ऐसी पावर नहीं दी गई थी जिससे इसे कर्ब किया जा सके न्यूक्लियर टेस्टिंग को, या कोई भी सैंक्शंस ज़्यादा और स्ट्रिंजेंट सैंक्शन लिए जा सके। तो उसके बाद एक न्यू स्टार्ट लिमिट करके भी एक ट्रीटी साइन की गई थी जो कि रशिया और USA ने साइन की थी जो कि 2021 में एक्सपायर होने वाली है। मेन इसका आइडिया ये है कि जो न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है पेंडेमिक टाइम में उनको कर्ब करने के लिए कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन टिल नाउ अब तक नहीं बनाया है कि जिसको यस हम ताल ठोक के बोल सके कि ये कर्ब करने में हेल्पफुल है।
नेक्स्ट एडिटोरियल देखते हैं, रोल बैक द डिस्ट्रस्ट रिमेंबर द कोर वैल्यू। ये आर्टिकल हामिद अंसारी जो कि हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं उन्होंने लिखा था। इन्होंने लिखा है कि मतलब हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है, किसी एक कम्युनिटी को ब्लेम। इसमें हिस्ट्री का जिक्र किया गया है कि 1923 में भी कम्युनिटी बाइंडिंग की बात की गई थी, जो कि लाला लाजपत राय, मुफ्ती किफायतुल्ला, स्वामी श्रद्धानंद और मतलब बहुत सारे नेताओं ने इसको अर्ज किया था। तो आज भी एक कम्युनिटी को बाइंडिंग करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आप मेरे साथ पेज करते रहिए। और ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक कुछ ज़्यादा खबरें नहीं आ रही हैं, फिर भी हम बिटवीन द लाइंस आप लोगों के लिए न्यूज़ लेके आ रहे हैं। यहाँ पे ईडी क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। वैसे बोला है कि 30% ईडी ऑफिशियल रिज्यूम वर्क फ्रॉम ऑफिस, मतलब 30% जो स्टाफ अलाउड कर दिया गया है ईडी का। ईडी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी बोला जाता है, जिसका मेन पर्पज इकोनॉमिक क्राइम और जो इकोनॉमिक ऑफेंडर होते हैं जस्ट लाइक अपने विजय माल्या और नीरव मोदी, उनको कर्ब करने के लिए, उन पे सैंक्शन लगाने के लिए ये 1 मई 1956 में बनाया गया था ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। ये मेनली 2 एक्ट इन्फोर्स करता है, जो कि फेमा और पीएमएलए बोला जाता है। फेमा जिसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 99 में फॉर्म्ड हुआ था ये, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को ही मेन ये इन्फोर्स करता है। इसके 5 रीजनल ऑफिस हैं, 1 मुंबई, 2 चेन्नई, 3 दिल्ली, 4 कोलकाता एंड 15 मुंबई। सो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं हमारे लिए क्या। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे हो सकता है कि पिच ब्लैक एक्सरसाइज है वो किस किस कंट्री के बीच में होती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती है, जो कि ये कैंसिल हो गई है। और अब नेक्स्ट ये बाईएनुअल एक्सरसाइज होती है, नेक्स्ट 2020 में ही होगा। तो आगे ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक अवर वीडियो। Please share us, like and subscribe. Thank you and have a nice day.